अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तरन्नुम किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी, फटाफट आप बना सकते हैं इसे अपने घरों में बिना सीख के। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना सीख के कुरेसी सीख कबाब, जिसे आप फटाफट बनाइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। तो आप सोच रहे होंगे कि बिना सीख के कैसे बनाएंगे, तो ज़्यादा सोचिए नहीं, इसके लिए आप फुल वॉच करिए और फटाफट बनाइए इजीली अपने घरों में कुरेसी सीख कबाब। फटाफट बनाइए गर्मा गर्म और इसके ऊपर बटर डालिए, एकदम अच्छे से एकदम जूसी सीख कबाब खाइए और इन्जॉय करिए। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इन्जॉय करिए इसे रमज़ान के महीने में, इफ्तारी में बनाइए और फटाफट गर्मा गर्म इसे आप इन्जॉय करिए इस रेसिपी को। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस रेसिपी को बिना सीख के, आप कुरेसी सीख कबाब कैसे बनाते हैं। इसके लिए फुल वॉच करिए और देखिए मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, बस फटाफट आप इसे बना सकते हैं अपने घरों में। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम कीमा। तो यहाँ पे कीमा को आप अच्छे से मशीन का निकला हुआ कीमा ले लीजिए आप, या नहीं तो आप मिक्सी जार में बारीक थोड़ा सा पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाले में कुछ यूज़ किया है, तो मसाले में यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच हल्दी पाउडर है। तो जीरा पाउडर जो हमने लिया है वो भुना हुआ जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर यूज़ करें, इसे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ डालने के बाद इसके बाद हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे लिया है मसाले में 1 टीस्पून लिया है हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। तो ये डालेंगे हम, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा तीखा ज़्यादा ले सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा ले सकते हैं आप। यहाँ पे लेंगे हम 2 या 3 हरी मिर्च लेंगे चॉप किया हुआ, और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज है, हमने इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। तो आप प्याज को अच्छे से पानी निकाल लीजिए जब भी आप कबाब बनाए। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 प्याज, इसको हमने अच्छे से चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है। तो ये डाल देंगे, जैसे दिख रहे एकदम सूखा हुआ है प्याज। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून यानी कि 2 चम्मच हम यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 नींबू का रस डाल देंगे। तो बस यही कुछ मसालों से आप फटाफट बनाइए कुरेसी कबाब फटाफट। तो इसमें हम डाल देंगे 1 नींबू का रस डालेंगे और बस हम इसे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। उससे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें भरकर 1 चम्मच हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से। आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून इसमें तेल भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मिक्स हो गया अच्छे से। तो इसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे साइड कर लिया अच्छे से कीमा को, यहाँ पे अच्छे से साइड कर ले और यहाँ पे मैंने जगह बनाया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, वो आप सोच रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी और इसमें हम डालेंगे, इसको हम अच्छे से स्मोक देंगे यानी कि इसको फ्लेवर देंगे हम आग का। तो यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे कोयला, तो अगर आपके पास कोयला है तो कोयला डालिए फटाफट इसके अंदर। इसके ऊपर हम डालेंगे बटर, तो बटर डाल देंगे इसके ऊपर, बटर डालिए या फिर आप घी भी डाल सकते हैं, आप डाल दीजिए। और इसके ऊपर हम डालेंगे और ढककर इसको रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से, जिससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कोयले का इसके अंदर कबाब के अंदर। तो कितने मज़ेदार बनेंगे कबाब। तो जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ अच्छे से स्मोक हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे आपको और अच्छे से इसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे अच्छे से फ्लेवर सभी तरह से अच्छे से कीमा के अंदर चला जाए। तो आप जब भी कुरेसी कबाब बनाएं तो इसके लिए आपको स्मोक ज़रूर दें आप कीमा में, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम अच्छे से एकदम जैसे कि लगेगा आप सीख पे यानी तंदूर में बनाए हैं इस तरह से। जैसे कि देख रहे हैं आप जितने भी कीमा है उसके हम इस तरह से बना लेंगे कबाब, इस तरह से अच्छे से बना लेंगे सभी कीमा को। आप बना के साइड में रखें और इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आपका आपके पास ये है तो आप ये यूज़ कर लीजिए, ये जूस वाला स्टिक, नहीं तो आपके पास अगर स्टील का है तो वो यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें बस इसे इसका शेप देना है कबाब का, यानी कि इस तरह से हमें कुरेसी कबाब का शेप देना है और बस इसके लिए हमें चाहिए स्टिक। तो यहाँ पे अच्छे से दबा देंगे इसके अंदर डालकर, अगर नहीं है आपके पास ये तो फिर आप पेंसिल है तो पेंसिल से भी आप कर सकते हैं। बस कबाब अंदर डालिए और इसके बाद अच्छे से घुमा घुमा कर इसका शेप दे दीजिए कुरेसी कबाब का, और हल्के से हाथों में पानी लगा कर भी ऊपर से हल्के से आप इसको चिकनाहट कर सकते हैं। अब इस तरह से हल्का सा दबा दबा कर करिए और फिर इस तरह से आप रेडी कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। तो बस जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे बन गया है हमारा कबाब। तो बस हमें इस तरह से निकाल लेना है, बस हमें शेप देना है कुरेसी कबाब का। तो इसके लिए हमें स्टिक चाहिए, क्योंकि हमें इसे में पकाना नहीं है स्टिक में, हमें बिना स्टिक का पकाना है। तो इस तरह से फटाफट आप इसका शेप दीजिए और बस निकाल लीजिए एक प्लेट में और बस फटाफट जितने भी कीमा है जितने भी हमने कबाब बनाया है उसको सभी को आप इस तरह से कबाब में शेप दे दीजिए, कबाब का शेप दीजिए फटाफट इस तरह से, और बस हमें रेडी कर लेना है। जैसे कि देख रहे हैं बाकी जितने भी हमने बना लिए बस ये लास्ट बचा हुआ है, तो इसे भी हम बना लेते हैं और इस तरह से बस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स रेडी है हमारा जितना भी कबाब था उसे हमने तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे मैंने पैन में डाला है 2 चम्मच तेल डाला है और इसके बाद हम इसे
हल्का सा मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे हम कबाब को। तो जैसे कि देख रहे हैं फटाफट डालेंगे जितने भी आपके पैन में आटे, 2-3-4 जितने भी, तो उतने भी डालिए और इसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे डालेंगे और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पे पलट लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कितने से यहाँ पे कलर हुआ है, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं इसको हल्का सा पलटेंगे, इस तरह से हल्के हाथों से पलट लीजिए इस तरह से, बिना सीख के बनाइए, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। इसके लिए हमें सीख की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अलट पलट के यहाँ पे मैंने अच्छे से बना लिया है, इस तरह से आप भी बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी है, खाने में बहुत ही लजीज है ये रेसिपी, आप लोग बहुत ही पसंद करेंगे ये रेसिपी को, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रमज़ान में। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से बन गया है, तो यहाँ पे रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि इसे फटाफट निकाल लेंगे, यहाँ फ्राई हो चुका है, तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बस रेडी है हमारा यहाँ पे प्लेट में यहाँ पे सर्व होने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बना लीजिए एकदम फटाफट कुरेसी कबाब, बहुत ही मज़ेदार। और गर्मा गर्म कुरेसी कबाब के ऊपर हम डालेंगे बटर, तो यहाँ बटर को मैंने यहाँ पे 2-3 बड़े चम्मच बटर लिया है और इसके ऊपर अच्छे से डालेंगे हम, जिसे अच्छे से अंदर तक चला जाए और एकदम सॉफ्ट बने, एकदम जूसी बने। हमारा यहाँ पे रेडी है बनकर कुरेसी कबाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे धनिया की चटनी के साथ आप सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। तो बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको रेसिपी कैसी लगी, फटाफट जाइए और बनाइए इसे इस रमज़ान में, आप ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।